आऊँगा इस वाटरफॉल के, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसके जो टॉप में है वहाँ से जाऊँगा। वहाँ पे एक दोस्त है, वहाँ पे पहरा कर रहा है, जिस तरह ये पहरा कर रहा था उसी तरह मेरा दोस्त पहरा कर रहा है। वहाँ ऊपर जाना है, तो चलो अब चलते हैं। तो वी आर पंटर लॉग फ्रॉम पहाड़ियों का चैनल एसटी पहाड़ी बंदा, और पेश है आपके सामने एक और न्यू ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, तो चलो अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और जो आपको ये वृक्ष दिख रहे हैं, ये है वान के वृक्ष। सर्दियों में इनका बहुत ही इस्तेमाल होता है, इनकी लकड़ियां बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होती है सर्दियों में। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये सभी वान के वृक्ष हैं। तो अभी मुझे अपने दोस्त के पास पहुंचने के लिए, दोस्त नहीं अपना भाई है, तो अपने दोस्त के पास पहुंचने के लिए मुझे यहाँ से ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और सुबह जब मैं डोगी को लेके आता हूँ तो इस चढ़ाई से उतरता हूँ, और अब इसका उल्टा है, इस चढ़ाई को चढ़ रहा हूँ। तो इस चढ़ाई को चढ़ते हैं, फिर आपको सीधा मिलता हूँ मैं ऊपर। तो अभी टाइम हो चुका है 6:19, और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने भाई दोस्त के पास आया हूँ। तो ये अपना भाई दोस्त है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो आलू लगाए हुए हैं, तो ये इनका पहरा कर रहे हैं। जिस तरह ये डोगी पहरा कर रहा था उसी तरह हमारे करम भाई पहरा कर रहे हैं। और ये पेशे से अध्यापक हैं, अकेडमी वगैरह चलाते हैं। तो आप इनके जब जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये अपना चैनल भी स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आप इन्हें भी सपोर्ट करना। और इनके साथ है इनके क्या लगते हैं, भांजा जी प्रिंस, बहुत ही प्रो प्लेयर फ्री फायर के। तो अभी हमारे करम भाई, मैं इनसे विनती करूंगा कि थोड़ा सा उठ जाएं और हमें बताएं कि जिस जगह हम जाएंगे वाटर वो यहाँ से कितनी दूरी पर है और हमें कितना टाइम लग जाएगा, और बारिश भी आने वाली है, अंधेरा भी होने वाला है। बस भाई 10 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा। जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि ओनली 10 मिनट लगेंगे, तो रात भी होने वाली है, ऊपर से मौसम भी करवट ले रहा है, तो हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और हम चलते हैं सीधा उधर। भाई कोई वो तो नहीं है, पैरा हो गया खत्म? बस खत्म हो गया भाई, बस सीधे। हाँ थोड़ा सा चाट वाट है। हाँ तो चलो चलते हैं। दोस्तों अभी हम वाटरफॉल के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो यहां से जाना है हमें यहां से। तो यहां पे हमारे करम भाई जो कि पेशे से अध्यापक हैं, तो ये चल रहे हैं, उसके आगे हमारे इनके प्रिय भांजा, और वो जो आपको दिख रहा है वहां पे जूम करके दिखाता हूं आपको एक बार। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि वो जो वाटरफॉल है वहाँ जाना है। एक्चुअली इसका जो मेन पॉइंट है वहाँ ऊपर है, तो वहाँ हम जा नहीं सकते, अंधेरा होने वाला है जिस वजह से। तो आपको मैंने भी हम देर नहीं करते और वहाँ चलते हैं। वहाँ हमारे भाई वगैरह पहुंच चुके हैं और अभी हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि देर नहीं करनी है और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। ये हमारे आज के रक्षक, अगर हम चलेंगे तभी चलेंगे, अगर हम नहीं चलेंगे तो ये आ जाते हैं, कितने भी दूर चले जाएं। झाड़ हो गया क्यों भाई? भाई काफी हो चुके हैं, जाने में कोई दिक्कत। हाँ अभी तो पानी सूख गया रहा। पानी भाई कम हो चुका है। हाँ तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल इसका जो मेन पॉइंट है वहां ऊपर है। तो किसी दिन आपको वहां ऊपर भी लेके चलेंगे हम, क्यों करम भाई? और ये भाई पानी कम है अभी। हाँ पानी ज्यादा होगा तो फिर काफी अच्छा लगता है। हाँ देखते थे हम बरसात में, बहुत पानी आता था, पूरा ही जो है भर जाता था। और यहाँ पे आप पहाड़ी स्ट्रॉबेरी देख सकते हो, जिसको अपनी भाषा में भाई आखरे बोलते हैं। हाँ आखरे बोलते हैं भाई। और अभी आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ इसके। बालों को इग्नोर करना। तो जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है कि हमारे करम भाई ने ये जो हाथ में पकड़ा है, इसको नंगल बोलते हैं, तो इसकी
स्पष्ट ही आपको करम भाई करेंगे, तो करम भाई बताइए आप। जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि इसको अपनी भाषा में हम गंगाड़ बोलते हैं, ये देखो सबसे पहला काम इसका, ये तो ये बकरी का खाने का काम में आता है, जैसे बकरियां खाती है, भेड़ खाती है, इसको गंगाड़ को। दूसरी इसकी मेन खासियत, इसका जो अपने मोल ढोने के लिए जो हम कीड़े का यूज़ करते हैं, इसके लिए इसका गंगाड़ का प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे खेतों में अगर इसका हमने अपनी भाषा में बोले तो बाढ़ देना। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो हम करम भाई के साथ वहाँ पे जाएंगे, पहाड़ी स्टाइल में वीडियो खत्म करेंगे। तो मैं जैकेट वगैरह खोल लेता हूँ, थोड़ी भारी हो गया, सीने बहुत हो गए। पहाड़ों पर देखा जाए तो वैसे ठंड बहुत है, और सीने भी बहुत पड़ते हैं, सुबह की गर्मी। करम भाई आपको पता चाहिए, लेकिन भाई पानी भाई बहुत ठंडा है, तो हम जाएंगे तो हमारे साथ हमारे जो भी आ जाएंगे आएंगे। तो बोले भाई को वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन है उसे दबा के और सेलेक्ट करें। तो देख लो भाई, हम यहाँ आए हैं और पिछले बार बहुत ही मजा है भाई, और पर भाई करम भाई कच्चे अभी है ना, अभी पके नहीं है पूरा से भाई, जब पक जाएंगे तो इसका खाने का बहुत ही पीने का मजा है। अभी ये गाय जो है उठ रहे हैं, उसको हम अपनी भाषा में आखिरी बोलते हैं भाई, जैसा कि आपके भी वहाँ अभी अभी थोड़े से थकते हैं, पर जैसे पक जाते हैं तो इनका स्वाद लाजवाब होता है, तो उसका भी ब्लॉग बना के आपको सिखाएंगे हम। तो बस अब आपसे अलविदा चाहते हैं मैं और हमारे अध्यापक जी, तो ठीक है, बाय।